दोस्तों वीआईपी पेट्स एंड प्लांट लवर में फिर से आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप और आपके पेट्स अच्छे होंगे। और आज हमारे मास्टर केट के लिए एक बजरी आई है जो कि हमारे दोस्त प्रकाश ने दी है। और जो बजरी उसकी थी, उसकी जो छोटी चिड़िया होती है लाल चिड़िया, उसके साथ उसने रखी थी और जिसकी वजह से वो बजरी उस पर अटैक कर रही थी और वो बजरी को हटाना चाह रहा था। तो उस बजरी को मैंने ले लिया अपने मास्टर केस के लिए। इस मास्टर केस में हम बजरी रखेंगे अपनी, और जो बजरी मैं लाया हूँ, मैं आपको अपनी बजरी दिखाता हूँ जो मैं मास्टर केस के लिए लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है वो बजरी जिसको मैं अपने दोस्त प्रकाश यहाँ से लाया हूँ, और आज इसको मैं इसको मास्टर केज में छोड़ूंगा और ये मास्टर केज में रहेगी। और ये फीमेल है दोस्तों, और ये हमारे पास दो मेल बजरी और हैं, और अभी इसको हम लोग मास्टर केज में चलिए छोड़ते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सारे बर्ड्स अच्छे से हैं और बहुत ही खुश हैं। तो चलिए हम लोग इसको मास्टर केज के अंदर छोड़ते हैं। दोस्तों हम लोग मास्टर केज के अंदर आ चुके हैं और अब इस बजरी को हम लोग इस मास्टर केज में रखते हैं। और अपने पास टोटल दो जेब्रा प्रिंस हो चुकी हैं और तीन लव बर्ड हो गए हैं और एक सिंगल कॉकटेल बचा है और दो बजरी पहले से थी। और हम लोग अब इस बजरी को इसमें छोड़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी ही प्यारी बजरी है और बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही अच्छी है। तो चलिए हम लोग इसको इससे निकालते हैं और इस मास्टर केज के अंदर इसको छोड़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये, जैसा मेरे दोस्त ने बताया था कि बहुत ही गुस्सैल है, और ये वाकई में बहुत ही गुस्सैल है। और अब तो हम लोगों को ये देखना है कि हमारी जेब्रा प्रिंस पे ये अटैक करती है कि नहीं करती है। हालांकि ऐसा करना तो नहीं चाहिए मास्टर केज में, क्योंकि काफी बड़ी जगह है। तो चलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने इसको दोस्तों मास्टर केज के अंदर छोड़ दिया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द ये हमारे इन बर्ड्स के साथ मिलजुल के रहने लगेंगी जैसे हमारी और बर्ड्स रहती हैं। और हमारे मास्टर केज में तो अभी तक कोई फाइट नहीं हुई है जिसकी वजह से हमारे जेब्रा फिंच के अंडों को या किसी तरीके की चिड़ियों को इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया हो। सभी अच्छे से रह रही हैं और ये देखिए ये उड़ के आराम से ऊपर बैठी है। अब बस ये सब साथ रहने लगे और बिना लड़े भिड़े एक साथ रहें चौड़े से, बिल्कुल मस्त। और बाकी देख सकते हैं सारी बर्ड्स एक साथ रहती है। मैंने बहुतों को देखा कि वो कहते हैं कि बर्ड्स एक साथ मर गए, हालांकि मैं ये मानता हूं कि इनकी ब्रीडिंग टाइम में इनके अंडों पे अटैक कर सकती बजरी, तो उसलिए मैंने अटैक ना होने कर मैंने हर किसी का जो सिस्टम है घोंसले का वो अलग कर रखा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जेब्रा फिंच जाती है। और जेब्रा फिंच के अलावा इसमें कोई नहीं जाता। आप लोग देख सकते हैं कि एक अंडा इसमें है और मैं देखता हूँ कि कब तक के इसमें बेबी आता है कि नहीं आता है। कुछ दिन बाद ही मैं इसको छूंगा, ज्यादा छूंगा नहीं। और बाकी अब हम लोगों को यहाँ मटकियां और लगानी है, तो हम लोग इसी उम्मीद में है कि जल्दी से जल्दी हमारी ब्रीडिंग शुरू हो जाए तो हम लोग जल्दी से मटकियां पूरी लगा दें। जो छोटा होल वाला मटकी है ये हमने जेब्रा फिंच के लिए बना रखी है और बड़े होल के लिए बजरी के लिए। और बाकी हम लोग और मटकियां लगाएंगे, पूरी खिड़की में मटकियां लगाएंगे। और ये हमारी नई जेब्रा फिंच है दोस्तों जो हम लोग जल्दी मंगाए थे और बहुत ही अच्छी हो गई है। और इसके चोट लगी थी, अब सही हो रही है धीरे धीरे, तो ये सही हो जाएगी। क्योंकि मैं इसको जिससे मतलब ऑनलाइन मैंने मंगाया था और मैंने इसका ध्यान नहीं दिया था, इसके चोट लगी थी, मैंने इसके दवाई ववाई कर दी है, उसके जो जख्म था उसमें तो काफी मतलब सुधार आ गया है। अब ये खा पी रही, खेल रही है, काफी अच्छे से रहती है अपने मास्टर केज में। और अपना कॉकटेल जो था सिंगल बचा था वो भी अब खेलने कूदने लगा काफी अच्छी तरीके से। ये सब एक साथ देखिए ऐसे दिन भर खेला करती हैं। बस ये जो नया वाला अपना बजरी है ये इन लोगों के साथ सेट हो जाए। ये जो उस साइड बैठा है वो नया वाला, आप लोग देख सकते हैं ये सब एक साथ धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहे हैं। और जल्दी से पहचान बन जाए, इनका भी स्वागत है भैया मास्टर केज के अंदर, ये भी खुश रहे इसी के अंदर। अब हम लोगों को लाना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉकटेल के लिए पेयर लाना है, और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करता हूँ कि इसके पेयर बन जाए और पेयर ला दें। और इसमें ज़्यादातर कॉकटेल और लवबर्ड ही रखूंगा दोस्तों। इसके अलावा मैं जो दूसरी चिड़िया है वो तो मैंने सिर्फ शौक तौर पर रखी है ताकि हर तरीके की आवाज़ है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये सब बोलते हैं।
बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ इनकी आवाज सुनता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल के साथ और हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें।